बिटिया चलो फैसला करो। हाँ हाँ सुना दे, डरना नहीं। याद है ना हमने कैसे नाचा था? हमने ऐसे किया था, हमने ऐसे किया था, और ये ऐसे करके बस कमर पे हाथ रख के खड़ी थी। हम तो नाचे जम के, और ये रह गई थम के। और याद है कैसे कैसे हमने नाच किया था? आज तो फैसला हमारे ही पक्ष में होना चाहिए, है कि नहीं? बड़ा कंपटीशन करने चली थी, बड़ी तैयारियां कर रही थी। देख लिया ना सबने? क्या परिणी, बड़ी बिजी चल रही हो। अमित भैया की शादी बिल्कुल नहीं कहा है वो। डोंट टॉक सेट्स, ज्यादा बकवास मत करो। अब तुम तो कुछ काम करती नहीं हो। हाँ डांस कंपटीशन में तुम्हें भाग लेना है, सारा काम तो हमें करना पड़ेगा ना। बड़ा हीरोइन बनना है तुम्हें। परी जी, नानी सरला कहाँ है? पता नहीं नानी, हम अभी देखकर आते हैं। वो क्या कर रही है रे? आना। अरे बस थोड़ा आराम भी दे जवान को। बड़ 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 बड़। अरे का बड़ 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 बड़। चल रिया बिटिया फैसला सुना। जी हमारे हिसाब से अच्छा रुको, जो तुम बोलने जा रही हो ना, जरा सा रुक जाओ। अपने मोबाइल पे ना इसको रिकॉर्ड कर लो, ताकि तुम जब ससुराल जाओगी ना, तब रोज ये मोबाइल शांति देवी को रिकॉर्ड किया दिखाती रहना, ताकि उसकी याददाश्त ताजा रहे कि वो हमसे हार गई थी। घंटिया चल रिया का मोबाइल ले। जी मोबाइल 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 कहाँ दे रहा? यही तो था मोबाइल। कितनी बार तुमको कहा कि फालतू की मस्ती मजाक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। चलो बस दो, भैया को पैसे देने हैं। अरे मम्मी मुझे क्यों डांटती रहती हो? ये पिंकी और मैं होटिंग के फालतू का जो करना मेरा काम नहीं, इसका काम है। ओह सॉरी, फिर से मिस्टेक हो गई। इसलिए तो बोलती हूँ अलग अलग कपड़े पहना करो, पर आप उनके सुनते नहीं हो मेरी बात। अब जल्दी चलो, पूजा के लिए लेट हो रही है। लाओ बस दो ये। ठीक है चलो पिंकी। ठीक है मम्मी मैं यहाँ पे रुक, आप दोनों जाओ। क्यों तू क्यों रुकेगा यहाँ पे? पंडित जी भी कंफ्यूज हो जाएगा कि किसके लिए प्रे करना है। ओके ठीक है, आप इसका ध्यान रखना है। ठीक है बेटा, अच्छी बात है, खुश रहो ना, और भगवान तुम्हारी जुड़वा बहन को भी खुश रखे। जाओ जाओ। हे प्रभु, मानना पड़ेगा कलयुग में भी सच्चों के साथ भगवान हमेशा रहते हैं। जुड़वा बहनों वाली कहानी हमारी बिगड़ी बात को बना सकती। ठीक है यही करेंगे। राम और श्याम, सीता और गीता, रिंकी और टिंकी, रिया और प्रिया। धन्य हो धन्य हो प्रभु। चलो चलो भैया चलो, जहां से लाए हो ना वहीं वापस ले चलो। शर्म का बेच के आई सहारनपुर है,
उम्र इतनी हो गई, देख का कर रही है, का बोल रही है, है? भाई देखो अभी से चढ़ा रही है, है? बिटिया को चढ़ा रही है, लड़की को चढ़ा रही है, बहू बन के आने वाली है हमारे घर, चढ़ा रही है उसको। हम तो ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि लड़की की बुआ दादी का कुछ गुण लड़की में जाए। भाभी को भी तो अपने टक्कर की बहू मिलनी चाहिए। क्यों, कहा बोल रही हो जीजी? अरे ये सब तो होता रहेगा परपंच, अरे फैसला सुना दे। अरे कहा ए बिटिया, ओए रिया बिटिया, फैसला सुना पहले। रुक, अरे इतनी जल्दी में काहे है, रिकॉर्ड तो करना जरूरी है ताकि देख तो सके सारी जिंदगी, सी माने याद करेगी हमको। दादी वो बिटिया तुम ऐसा करो कि फोन नंबर घुमा दो रिया बिटिया के फोन का, पता तो लगे कहाँ है। क्या हुआ, काहे हड़बड़ा रही हो? अरे हम यहाँ पे बिन बुलाए बराती की तरह सब कुछ संभाल रहे हैं, जल्दी आओ। हाँ हाँ हमें मालूम है, तुम जरा धीरज रखो ना, तुम जरा संभालो थोड़ी देर, हम अभी पहुँच ही रहे हैं ना। अरे मम्मी यहाँ पे प्रॉब्लम ना बड़ी से बड़ी होती जा रही है। भैया बाथरूम में छुप कर बैठे हैं और हमने रिया का फोन चुरा लिया है, और आपकी जो अम्मा है ना वो अपना फुल माइंड हाफ प्राइस में बेच कर आई है, एक के बाद एक प्रॉब्लम बढ़ा रही है वो। अरे हाँ हाँ हम ऑटो में है भाई, तो पंख थोड़ी है जोड़ के आ जाएंगे, तुम थोड़ी देर और संभालो ना, पहुँच रहे हैं। चलो ना भैया, तुम्हें क्या नौता दें, जल्दी चलो ना। हाँ तो हमारे बोलने से ही होता है, यहाँ हमसे समझदार और कोई डटा है का? तो फिर हमने फैसला सुना दिया, वो फैसला है, हम जीत गए। ए यार अभी ये लोगों के बीच गए ना तो सब गड़बड़ हो जाएगी, मम्मी को फोन कर लेते। रिम्मी, हाँ? शिवम का कुछ पता चला का? नहीं मम्मी। फोन वो ना आया का उसका? नहीं तो। ना समय हो गया, आप कहाँ रहे क्या नहीं लड़का? क्या पता, एक तो कहीं भी चले जाते भैया। नहीं कहीं तो नहीं, काम से ही गया होगा, लेकिन तू भगवान करे कुछ ऊंच नीच ना हो गई, तू फोन लगाना फिर से। हाँ लग रहा है, बार बार काट रहा है वो तो क्या दादी, वो अब रिंग हो रहा है लेकिन कोई उठा नहीं रहा। शांति देवी, बुरा ना मानना, तुम्हारे घर से जब जब लोग हमारे घर आए हैं तब तब हमारे घर से कुछ ना कुछ चोरी हुआ है। ललिया कहना का चाहत है तू? हम चोर है, हम तुम्हारी चिंदी फोन चुराएंगे। ए शर्म लिहाज है कि नहीं, बाराती है हम। लाओ नंबर दो, हम घुमाते हैं फोनवा। ए घुमा फोनवा का नंबर जो बोलती है ये ललिया। अच्छा किया हमने फोन साइलेंट पे डाल दिया, वरना कितनी प्रॉब्लम हो जाती, कितने फोन आए हैं रिया को। अरे काहे सब पका रही हो, पहुंच रहे हैं ना, प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, जल्दी आओ। फोन का लगाएगी, चोर का तुम्हारे रिश्तेदार हैं जो तू फोन लगाएगी और वो उठा लेगा। तो क्या लगता है हमने चोरी किया? हम सब चोर है। ए बुलाओ रखवा को, वो फैसला करेगा कौन चोर है और कौन कोतवाल। ए कुसिया बुला रखवा को, अभी हमारे दिमाग के ऊपर से सरक रहा है।
ए ललिया, तुमको लगता है कि हमारा परिवार चोर है ना? काहे अपनी पोती चोर के परिवार में दे रही है? हमारे परिवार की हो जाएगी तो लोग उसे भी चोर कहेंगे। काहे अपनी पोती को चोर कहलवाना चाहती है? शादी कैंसल। बोलो क्या हुआ बेटा? अरे का हुआ? कब आ रहे हो? इंतजार कर रहे हैं। अरे हम इस मरे रिक्शे में है ना, इतना घसीट घसीट के चल रहा है, क्या बताएं? तुम कहाँ हो? अब हम यही हैं बाथरूम में, बाहर जाने की हिम्मत नहीं हो रही है। अब जल्दी आओ, आप आओगे तभी निकलेंगे। हाँ ठीक है, तो हम पहुँच ही रहे ना बेटा, तुम बैठो थोड़ी देर, पहुँचते हैं अभी। हाँ और जल्दी आना मम्मी, ठीक है? मौसम बहुत खराब हो गया है बाहर, ऊपर से बदबू ने अलग परेशान कर रखा है हमको। ओहो अच्छा ठीक है, तुम नाक पकड़ के बैठ जाओ, अभी सब तुम्हारे लिए तो कर रहे हैं ना, तुम बैठे थोड़ी देर पहुंच रहे हैं। हाँ बैठे, जल्दी आओ। क्या करना, बस किसी तरह ये शादी नहीं पड़ जाए, हम पूरे 5.25 रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे। चलो 7.25 का चढ़ा देंगे। ए कान के पट खोलो और सुनो सब, खाना पीना खत्म, मिलना मिलाना खत्म, चलो चलो बारातियों। ए तुम हरदम बोल बोल के हमारी नाक में दम किए हो, लेकिन हमने कोई जवाब नहीं दिया। हमारी तुम्हारी दुश्मनी का बच्चों से काहे बदला ले रही हो? हम तुम्हें चोर नहीं कह रहे हैं, हमारे मुंह से गलती से निकल गया होगा। हम तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं बच्चों की खातिर, ऐसा मत करो, कहो तो हम तुम्हारे सामने नाक रगड़ दे। अम्मा जी हम गिनती करते हैं। हमारी अम्मा जी का ये मतलब नहीं था। मान जाइए, आप ऐसे जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। देखो भाई सब सुन लो, भाई हमारे लाने तो बच्चों की खुशी से ज्यादा और कछु नहीं। क्या कर रही है ललिया है? हमार तुम्हार बात जाने देना, का बच्चों की तरह रो रही है, शांत हो जा है? है? अभी तो फैसला भी सुनाना है मुकाबले का कि हम जीते हैं। इधर है? तुमको क्या लगता है सबके सामने हाथ जोड़ के महान हो जाएगी? ये तो हम होने नहीं देंगे। है? शांत हो जा। अरे अभी तो मुकाबले का फैसला भी सुनना है। सब आ रहे हैं, आ गया रघुवा, आजा बिटू आजा। का फैसला हुआ, कौन जीता? बराबरी पे छूटा है मुकाबला। अरे ये तो बराबरी पे, ये कुशिया को तो है ना हमेशा जल्दी रहती है, सुना दिया फैसला। चल रही लल्ली, दूसरा मुकाबला करेंगे, दूसरा फैसला होगा। खाना वाना खिलाएगी क्या? नहीं है? चल चल। हाँ चल, देर भी हो रही है, चलो चलो सबके सब। हाँ भाई चलो। माता जी ओम नमः शिवाय। भगवान के चौखट पे हो, जो मांगना है मांग लो, सारी मन्नतें पूरी करते हैं ये। नहीं कर पाएंगे, पूरी करना उनके हाथ में भी नहीं है। ये मन्नतें, ये प्रसाद इसे काम के नहीं। बहुत दुखी लगते हो मित्र, कोई भी बात हो, कोई भी समस्या हो, महादेव सब देखते हैं। तुम बस ये प्रसाद ग्रहण करो, बाकी सब इन पर छोड़ दो। लो मित्र प्रसाद लो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
बोरट कहाँ गया यहाँ से? इतनी मेहनत की थी बोरट के ऊपर, हैं? वो हे भगवान, आज समझ में आया कि गोबर अगर सड़क के बजाय कहीं और पड़ा हो तो उसका कितना महत्व होता है। जय गोबर महाराज, आज आपने हमें बचा लिया। इसका क्या करें? अरे मम्मी, हाँ ये देखो, कहाँ थी आप? शिवम भैया आपकी बहू को, होने वाली बहू को फोन कर रहे हैं। धन्य हो गए हम तो, कितना हुनर है हमारे बच्चों में। हेलो, आप कौन? जी मैं प्रिया बोल रही हूँ, रिया की बहन। आज हमारी मेहंदी है ना, तो रिया बहुत बिजी है, इसलिए उसने उसका फोन हमें दे दिया है। जी माफ कीजिएगा, रिया ने कभी मुझे आपके बारे में बताया नहीं, और मैं आपके घर भी आ चुका हूँ और मैंने आपको देखा भी नहीं वहां पर। दरअसल हम अपनी बुआ दादी के साथ थे ना, वो शादी की शॉपिंग कर रहे थे ना, इसलिए नहीं बताया। क्या हम पहले बात कर चुके हैं क्या? नहीं, वो क्या ना कि आपकी आवाज बहुत जानी पहचानी सी लग रही है मुझको। वैसे हाँ, अभी की शादी हो रही है ना? हाँ, हो तो रही है, इसलिए ना हम बहुत बिजी हैं, तो हम फोन काटते हैं ना? हम रिया को बता देंगे कि आपने फोन किया था। ओके टाटा, बाय बाय, सी यू। चल अब जल्दी से इसका सिम कार्ड निकाल के फेंक दे। आर यू मैड मम्मी? अगर सिम कार्ड निकाला ना तो शिवम भैया को शक हो जाएगा। ये तो हमने सोचा ही नहीं। अच्छा तो तू ऐसा कर, ये फोन अपने पास रख है, तू तो वैसे भी सारे दिन फोन पे ही बात करती रहती है, अगर उसका फोन आएगा ना तो तू जवाब दे देना मैसेज में है? अच्छा, और अगर शिवम भैया को पता चल गया कि मैं रिया नहीं हूँ तो? अरे नहीं नहीं, वो कुछ पता नहीं चलेगा, हम है ना। तू ऐसा कर, तू जाके तेरी वो जो एक्स्ट्रा ड्रेस लेके आई है ना, वो ले आ जाके पड़ा। हाँ, वो तो वो फिटिंग्स कराने के लिए सोचा था रास्ते में दे देंगे मम्मी। नौटंकी मत कर, चल जल्दी से जाके अपनी ड्रेस लेके आ, हमें मालूम है तू दो ड्रेस लेके आई है ना फैशन परेड करने के लिए। क्या ये करा? ओ, पर करोगी क्या ये बताओ, हमारी ड्रेस का क्या करोगी आप? अब हम रिया को जिंदा करने वाले हैं। जा, तू जल्दी से ड्रेस लेके आ और साथ में अमित को भी ले आ, फटाफट जा। लेकिन मम्मी। अरे जाना लेकिन लेकिन क्या, जा फटाफट जा, अपनी ड्रेस भी लेकर आना साथ में। पंटी, शिवम की तबीयत खराब हो गई है, मुझे टेंशन हो रही है। सुनना प्लीज, उसे बात कर और पूछना उसे क्या हुआ है। किससे बात करनी बिटिया? दादी बुआ, वो दादी बुआ जीजा जी से। हाँ हाँ, लेकिन बिटिया हमारी मानो तो अभी बात ना करो तो अच्छा है। का हुआ कि जो हुआ है ना अभी, उससे वो भी परेशान हो जाएगा और फिर शादी की गहमा गहमी में बात बिगड़ भी सकती है। घंटिया, वो रिया बिटिया के लिए कुछ खाने को ले आना।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।